आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज है मंडे और अभी शाम की वक्त है, अंधेरा हो चुका है बाहर और अभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। सो आज ना मेरी मम्मी आने वाली है यहाँ पे, तो मैंने ना कैलकुलेशन करके देखा कि मम्मी 1 ईयर बाद हमारे घर आ रही है। तो मेरी मम्मी पापा ना पता नहीं क्यों ऐसे ही करते हैं, हमारे घर आना नहीं चाहते। हम लोग जाते हैं टाइम टू टाइम, जब भी हमें समय मिलता है, बयान का छुट्टी वगैरह रहता है, हम लोग जाते हैं, मिलते हैं, रहते हैं, लेकिन वो लोग ना क्यों आना नहीं चाहते हैं, ना ही मेरे घर ना ही टिया के घर। पता नहीं क्यों घर में ही रहते हैं, घर से बाहर नहीं जाते। जैसे मेरे घर में आते हैं ईयरली एक बार बयान के बर्थडे के टाइम, और टिया के यहाँ पे लास्ट ईयर आए थे क्योंकि टिया ने एनिवर्सरी सेलिब्रेशन किया था ना, तो उस टाइम पे आए थे। तो वही बात है कि ओकेशन में ही आते हैं वो लोग, वरना नहीं आते हैं। तो जैसे अभी बयान का समर वेकेशन चल रहा है, तो मेरी जाने की प्लान थी घर जाने की, लेकिन ये सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई कि अभी मैं मतलब यहां से जा नहीं सकती। मतलब आफ्टर द ऑपरेशन मैं जाऊंगी घर, इसलिए मम्मी ने सोचा कि क्योंकि हम लोग यहां से नहीं जा पा रहे हैं मैं और बयान, तो मम्मी ने सोचा कि क्यों ना वही चली आए। और क्योंकि जामा षष्ठी है सामने, अगर वो नहीं आते तो जामा षष्ठी भी पॉसिबल नहीं है। तो जैसा भी होगा जामा षष्ठी इस बार यहाँ पे सेलिब्रेशन होगा, ठीक है। तो मम्मी ने कहा कि इस बार यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊं ना तो टिया भी नहीं जाएगी घर, तो फिर जामा षष्ठी सेलिब्रेशन नहीं होगी ना। मेरे पापा नहीं आए, पता है मैंने उनको कहा कि मम्मी आ रही है, मम्मी के साथ चले आओ, क्या करोगे अकेले घर में रह के, और जामा षष्ठी हम लोग सब लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे एक साथ। तो पापा ने कहा कि नहीं, ये मानसून का सीजन है, बारिश तूफान कभी भी आ रहा है, तो मैं घर छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। तो मैंने उनको कहा कि तूफान आके क्या घर उड़ा के लेके चला जाएगा क्या, पता नहीं क्यों वो लोग ना घर में रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन जो भी है, मम्मी आ रही है, इसी की खुशी है। और मम्मी ट्रेन से आ रही है और शहर स्टेशन गए हैं उनको लाने के लिए, तो वो लोग ना आई थिंक 9:15 बजे यहाँ पे पहुंच जाएंगे। और कल टिया एंड शुद्रदा भी वो लोग यहाँ पे चले आएंगे, एंड परसों है जामा षष्ठी। तो बयान तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि फिर से घर में लोग आने वाले हैं, क्योंकि बेचारा भी बहुत ज्यादा बोर हो रहा है, क्योंकि उसका समर वेकेशन चल रहा है और बयान का ही मतलब कुछ कर ही नहीं पा रहा है, घर में बैठ के बोर हो रहा है। तो जस्ट अभी अभी थोड़ी देर पहले बयान ने नैप लेके उठा है, तो मैं अभी थोड़ा सा कुछ उसको खाने के लिए देने वाली हूँ। और बयान यहाँ पे अपना ब्लॉक्स लेके खेल रहा है, क्या बना रहे हो ये? ह्यूज एनिमल नर्सरी। ओके, आज कौन आने वाला है बयान के घर? के आज पे डीडून, आर यू हैप्पी? ओके ओके, डू इट। ओके, इवनिंग में मैं आज बयान को खाने के लिए दे रही हूँ, ये है दूध, मुरमुरा और बनाना। तो ये है आज का बयान का इवनिंग स्नैक्स। मम्मी का बेड मैंने पहले ही सेट करके रख दिया है, आज दोपहर को ही मैंने पूरा फ्रेश बेडशीट वगैरह बिछा के यहाँ पे रेडी करके रख दिया है। बस यहाँ पे काफी सारे कपड़े हैं जो आज मतलब वॉश होके आया है, तो इसको अभी तय लगानी बाकी है, तो इसको मैं फटाफट तय लगाती हूँ। Thank you.
लोग। आहा, मम्मी लेके आई है यार ये जामा षष्ठी के लिए, अभी मत खाओ ये। तो ये देखिए जामा षष्ठी स्पेशल मम्मी क्या लेके आई है, ये तो हमारा फेवरेट है, जान सी रखता है इसके ऊपर, तो ये बाद में खाएंगे। इन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया है और एक शैकत ने भी, और शैकत अभी जा रहे हैं बाजार, है ना, सब्जी जलाने के लिए। मम्मी को चाय बना के दे दिया है, मम्मी अभी चाय पी रही है और अच्छे वक्त पे एकदम आया है, क्योंकि आए हैं और 5 मिनट बाद बारिश होनी स्टार्ट हो गई है, अभी बारिश हो रही है। और देखिए यहाँ पे मम्मी ने अपना पिटारा खोल रहे हैं कि क्या क्या लेके आए हैं, तो ये चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये चीज ये है क्या, कॉर्न स्नैक्स, मतलब एक स्पाइसी मिक्सचर है ये तो देखने में अच्छा लग रहा है। और ये है नमकीन कुछ, ये सब यार को ये ज्यादा पसंद आया। और फिर मामा एक चाय फूल भी तूने। और फिर ये है एक चना दाल जो फ्राई स्नैक्स होता है ना, वो काफी सारे मैंगो। पहले मैं ये खा लू बेटी पर, ओके गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है नेक्स्ट डे और अभी मैं ना लंच बना रही हूँ एक्चुअली, तो लंच में आज काफी कुछ बन रहा है, और क्योंकि आज ना टिया एंड शुभ्रदा भी आने वाले हैं, वो लोग शाम तक आ जाएंगे, तो इसलिए मैं डिनर एंड लंच एक ही साथ बना के मैं रख रही हूँ, ताकि रात में मैं फ्री हो जाऊँ एंड सबके साथ बातें बातें हो पाए, और रात को जामा षष्ठी के लिए तैयारी भी करनी है, तो वो सब कुछ भी है, तो इसलिए मैं खाना जो है ना वो अभी बना के रख रही हूँ। तो मम्मी मुझे हेल्प कर रही है और मैं खाना बना रही हूँ, तो जल्दी जल्दी हो भी जा रहा है क्योंकि ज्यादा अमाउंट में खाना बनानी है ना। यहाँ पे हो रही है फिश फ्राई, आप देख सकते हो, और ये है बनाना स्टेम जो मैं बना रही हूँ, भयंक को बहुत पसंद है बनाना स्टेम भाजी। और यहाँ पे ना फिश ऑयल भी है थोड़ा सा, और फिश हेड भी है, तो फिश हेड के साथ बनेगा ये कैबेज, तो कैबेज मम्मी काट के दे रही है मुझे, तो कैबेज के साथ फिश हेड बनेगा, रहता है ना। वेलकम और यहाँ पे थोड़ा सा चाय एंड स्नैक्स की बंदोबस्त मैंने किया है, और पीछे आप व्यान को देखोगे, व्यान को मैंने ना उसके कपड़े जो है ना वो मैंने निकाल दिया, क्योंकि इतना खेला और इतना ज़्यादा पसीना पसीना हो रहा था ना व्यान को, वैसे भी पसीना जो है ना वो बहुत ज़्यादा आता है, और जब खेलता है तो और भी ज़्यादा आता है। और यहाँ पे ना मम्मी और टिया दोनों मिल के बैठ गए, तो मेरी एक पॉट है पुराना, तो उसमें ना काफ़ी सारे पौधे जो है ना वो ख़राब हो चुके थे, और मेरे सासू माँ ने यहाँ पे काफ़ी सारे फूल के पौधे भेजे हैं, क्योंकि मेरे पास जो फूल के सारे पौधे थे ना वो सब ख़राब हो गए थे। एक्चुअली मैं जब नहीं रहती हूँ ना तो वो सब कुछ, मतलब शैकत पानी देना भूल जाता है तो वो सब कुछ ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे फूल के पौधे आप देख रहे हो, ये सारे मेरे ससुराल से आए हैं, टिया ही लेके आई है,
तो अभी मम्मी और टिया दोनों मिलके बैठ गए हैं मेरी जो ये पॉट है ना इसको मतलब इसमें पौधा लगाने के लिए। तो काफ़ी सारे यहाँ पे फूल के पौधे हैं और मेरे ससुर जी ने मम्मी के लिए एक नींबू का चारा जो है ना नींबू का पौधा वो भी दिया है। तो मम्मी तो अभी जाते जाते थोड़ा सा टाइम है तो इसी वाले पॉट में वो भी लगा दिया जाएगा और जब मम्मी चली जाएगी तब मम्मी यहाँ से उठा के वो लेके चले जाएंगे वो नींबू का जो पौधा है ना वो। तो यहाँ पे देख सकते हो दो तीन तरह की फूलों की पौधा जो है ना वो मेरे लिए भेजा गया है तो यहाँ पे दोनों मिलके लगा रहे हैं। पौधा लगाना हो गया है, अभी यहाँ पे पूजा की तैयारी जो है ना वो चल रही है। तो कल है पूजा, सुबह सुबह ही पूजा करेगी माँ, तो उसके लिए ना थोड़ी सी प्रिपरेशन लेनी मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो चाहिए होती है। तो यहाँ पे मम्मी और टिया मिलके दोनों मिलके यही वाला काम कर रहे हैं। अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं कहाँ हूँ तो मैं अभी ये सब कुछ टच नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं जो है ना वो रिकॉर्ड कर रही हूँ और मम्मी और टिया दोनों मिलके पूजा का जो सारा इंतज़ाम है ना वो कर रहे हैं। तो ये सारे दुब्बा घास ये सब कुछ चाहिए होता है एकदम स्पेसिफिक क्वांटिटी में, तो वो सब कुछ वो लोग गिन गिन के सारा कुछ तैयार करके रख रहे हैं और कल इसको अच्छी तरीके से वॉश करके फिर ना पूजा करेंगे। और ये जो चीज़ है ना वो मेन जामा षष्ठी के दिन चाहिए होता है। तो ये सब कुछ जैसे गांव में मम्मी तो ये सब कुछ खुद हाथों से बनाती है, लेकिन हमारी यहाँ पे ना जैसे शहर में ये सब कुछ आप कहाँ ढूंढोगे, ये सब कुछ खरीदना पड़ता है। तो इसलिए मेरे सासू माई ने भेजा है कि ये सब कुछ हमारे घर में ही है, तो ये सब कुछ भेज दिया है और मम्मी यहाँ पे अच्छे से सारा कुछ जो है ना वो सेट कर रहे हैं पूजा के लिए। और मम्मी ये जो दुब्बा घास है ना इसको इतने अच्छे से डेकोरेट करेंगे ना वो आप देखिएगा, इसमें छोटे छोटे जो फल है ना वो डाला है और फूल के जो कली है ना वो डाला है और इसको पानी में रखेंगे ना तो कल बहुत ही अच्छे से वो फूल भी खिल जाएंगे तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें डलते हैं इसमें, तो वो सब कुछ मम्मी डाल के अच्छे से इसको एक कपड़े से लपेट के ना इसको डेकोरेट कर रहे हैं। अभी रात काफी हो गई है और यहाँ पे सब लोग ना सोने की तैयारी में है और भयान से हम लोग पूछ रहे हैं भयान आप किसके साथ सोओगे, किसके साथ सोना है बेटू? पॉपम मीन्स टिया एंड शत्रुदा के साथ सोना है। तो भयान को आज टिया के साथ सोनी है, पता नहीं सोएगा या नहीं क्योंकि भयान आजकल किसी के साथ भी नहीं सोता है सिवाय हमारे। और अभी जस्ट हम लोग बिस्तर वगैरह सब कुछ सेट कर रहे हैं, पीछे भी हनका आवाज आ रही है और कल के लिए तैयारी जो है ना वो आज से हमने स्टार्ट कर दिया है। आप लोगों ने देखा है कल है जामा षष्ठी और ना कल के लिए ऑलरेडी हिलशा फिश लेके रख दिया है शेखत ने, तो मम्मी ने पैसा दिया है। मम्मी ने कहा है कि जामा षष्ठी का खर्चा जो है ना वो हमारे तरफ से है, मतलब मम्मी और पापा की तरफ से पापा ने पैसे भेज दिए हैं। तो हमने कहा कि इस बार हमारे यहाँ पे आए हो तो हम लोग देंगे, बट मम्मी बोले कि नहीं जामा षष्ठी का खर्चा हमेशा हमारे होता है। तो मम्मी ने पैसा दिया तो शेखत ने हिलशा फिश लेके रख दिया है, आज ही मैंने क्लीन करके फ्रिज में रख दिया है। तो कल पूरा खाना वाना तैयारी सब कुछ कल सब कुछ आप लोगों को ढंग से मैं दिखाऊंगी, पूजा भी होगी और फिर खाना वगैरह सब कुछ की तैयारी भी होगी। तो कल के ब्लॉग के लिए आप लोग एक्साइटेड हो, हम लोग तो कल के दिन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बस पापा नहीं है, बस पापा की कमी है, अदरवाइज तो कुछ ऐसा ही है। अच्छा लग रहा है जब सब लोग एक साथ मिलके आते हैं ना तो बहुत मजा आता है। तो यहाँ पे तो अभी भी चल रहा है उन लोगों का वो देखिए मार पिटाई चल रही है, अभी रात की काफी हो गई है। हाँ अभी हम लोग भी सोने जाएंगे। और गाइस इसी के साथ मैं आज का ये ब्लॉग जो है ना वो करती हूँ खत्म। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब कर देना और मैं आपसे मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। चिल्ड्रन टेक केयर एंड बाय बाय।